अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये है गेट 2018 एफएम का क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ था हुआ है इफ अ फ्रिक्शनलेस सर्कुलर पिस्टन ऑफ एरिया 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर एंड अ मास ऑफ 100 केजी सिंक इनटू अ सिलेंडर कंटेनर ऑफ द सेम एरिया फिल्ड विद वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब एज शोन इन द फिगर। द कंटेनर हैज अ सर्कुलर ऑफ एरिया ऑफ 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर एट द बॉटम दैट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर अज्यूमिंग नो लीकेज फ्रॉम द एज ऑफ द पिस्टन एंड कंसीडरिंग वाटर टू बी इनकंप्रेसिबल द मैग्नीट्यूड ऑफ द पिस्टन वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट दैट इंस्टेंट शोन इन फिगर। तो हमको पिस्टन की वेलोसिटी बतानी है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पॉइंट वन है, पॉइंट वन और ये पॉइंट टू है, इन दोनों के बीच में सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं हम। तो ये हो जाएगा पी वन बाय रोजी प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड वन पी टू स्क्वायर बाय रोजी प्लस बी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड टू। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल हेड और जो एनर्जी हेड रहने वाला है वो इस पॉइंट पे भी बराबर रहेगा, इस पॉइंट पे भी बराबर रहेगा। यदि आपका प्रेशर हेड घटता है तो आपका डेटम हेड बढ़ जाएगा, प्रेशर हेड घटता है तो आपका डेटम हेड बढ़ जाएगा या फिर आपका वेलोसिटी हेड बढ़ जाएगा। तो ये टोटल एनर्जी बराबर रहने वाली, कोई सी एनर्जी कम हो जाएगी कोई सी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से हम नीचे आएंगे, यहाँ पे क्या है डेटम हेड है आपके पास जबकि यहाँ पे आपके पास प्रेशर हेड आ जाएगा, यानी कि टोटल एनर्जी दोनों पॉइंट पे सेम रहने वाली है, इसलिए हम ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, हम जानते हैं डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी और एरिया इनटू वेलोसिटी 1122 दोनों पे ही सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बी वन इज इक्वल टू रिलेशन निकाल लेते हैं, चाहे आप बी वन में निकाल लीजिए चाहे बी टू में निकाल लीजिए, क्योंकि हमको बी वन वेलोसिटी निकालनी है इसलिए हम जो बी टू है उसको बी वन की टर्म में ले लेते हैं तो हमको डायरेक्टली पिस्टन की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो मैं ये करता हूँ बी टू निकाल लेता हूँ, बी टू इज इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू इंटू बी वन। ये बी वन की टर्म में इसलिए निकाल लिया क्योंकि डायरेक्ट पिस्टन की वेलोसिटी निकालनी, वहां पे जाके घुमाएंगे इससे अच्छा यहीं पे घुमा दो इसको बी टू की टर्म में, यहीं से कन्वर्ट कर दो। तो ये आ जाएगा बी टू। अब यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा पिस्टन का प्रेशर, पिस्टन का जो वेट है उसका प्रेशर प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर, जबकि पी टू पॉइंट पे यहाँ पे केवल एटमोस्फेरिक प्रेशर रहने वाला है। तो हम लिख सकते हैं पी ए टी एम प्लस 100 इंटू 10 ये हो गया न्यूटन में mg। अब एरिया से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा प्रेशर में बाय 1000 इंटू 10 प्लस वी वन का स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जो z है वो दिया है 0.5 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा पी ए टी एम अपॉन 1000 इंटू 10 प्लस बी टू का स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड टू। अब मैं क्या करूँगा बी टू की जगह पे वैल्यू पुट कर दूंगा बी वन की, तो ये हो जाएगा, हम ये करते हैं पी ए टी एम पी टी एम पी ए टी एम भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बचने वाला टर्म है वो है केवल 100 इंटू 10 डिवाइड बाय 1000 इंटू 10 यानी रोजी इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एरिया प्लस बी वन का स्क्वायर अपॉन 2g प्लस 0.5 डेटम हेड। ये पी ए टी एम कैंसिल हो चुका है, अब इसकी जगह पर मैं रख देता हूँ ए वन का ए वन अपॉन ए टू का स्क्वायर इंटू वी वन का स्क्वायर प्लस जेड टू। वाई पे वैल्यूसिटी निकालनी है इसलिए जेड टू की वैल्यू वैसे ही जीरो हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है तो ये इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। चलिए मैं लिख ही देता हूँ ये वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब हम क्या करते हैं, अब इनका निकाल लीजिए, इस बी वन को मैं इधर लेके आ जाऊंगा और इन दोनों को ऐड करने पर टोटल आएगा 10 प्लस 0.5 इज इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू का स्क्वायर माइनस 1 और ये जाएगा बी वन का स्क्वायर। अब देखिए ए वन है हमारा 10 टू द पावर माइनस 2 और ए थ्री है, ए वन है 10 टू द पावर माइनस 2 और ए टू है 10 टू द पावर माइनस 3,
यानी कि इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 10। अब 10 का स्क्वायर मैं कर दूंगा, सॉरी मैंने यहां पे 2g नहीं लिखा, 10 का मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये आने वाला है 100, ये आने वाला है 100, तो ये आएगा 10.5 इज इक्वल टू 100 माइनस 1 और b1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको मैं इधर लेके जाता हूं, 10.5 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 99, ये आ जाएगा हमारे पास और ये इक्वल हो जाएगा b1 के स्क्वायर के। तो b1 की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 1.45 मीटर पर सेकेंड और b1 स्क्वायर की जो वैल्यू आने वाली है वो है 2.12। तो ये पिस्टन की वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है। तो इसमें क्या करना था, कंटिन्यूटी टू इक्वेशन अप्लाई करना था और क्योंकि ये इसमें मेन जो पॉइंट है कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि टोटल एनर्जी रहेगी और टोटल एनर्जी हेड जो रहने वाला है वो दोनों पॉइंट पर सेम रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। उसी के कॉन्सेप्ट पे ये आधारित, उसी के वही कॉन्सेप्ट इसमें चिपकाना था और ये आपका आंसर आया था। क्योंकि हम जानते ही हैं यदि प्रेशर हेड बढ़ता है तो डेटम हेड घटेगा या वेलोसिटी हेड घटेगा, इसी तरह यदि डेटम हेड घटता है तो प्रेशर हेड बढ़ेगा। देखिए आप यहां से नीचे आएंगे, यहां पे मान लीजिए पॉइंट टू पर आ गए हैं, पॉइंट टू पर क्या होगा, यहां पे डेटम हेड जीरो है लेकिन आपका प्रेशर हेड आपको इतना मिल चुका है, यानी कि ये सारा प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यानी कि टोटल एनर्जी जो रहेगी वो सेम रहने वाली है। तो यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ चुका है 1.45 मीटर पर सेकेंड। ये था गेट 2018 एफएम का क्वेश्चन। इससे पहले भी मैंने कई क्वेश्चन किए और ये चैनल अभी शुरू किया है, तो अभी हम क्या गेट 2018 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद इन जो सब्जेक्ट है इनकी थ्योरी भी डिस्कस करेंगे जो गेट और ईएस से रिलेटेड है। तो इसके लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले भी मैंने गेट के कई क्वेश्चन सॉल्व किए, आप चाहें तो उनका सॉल्यूशन भी देख चुके हैं। तो उनमें हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आंसर है आज के क्वेश्चन का 1.45 मीटर पर सेकेंड। तो ये था एफएम का क्वेश्चन और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस के लिए, क्योंकि थ्योरी भी हम डिस्कस करने वाले हैं प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन के भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।